पता है, हमारी लड़ाई सिर्फ राम मंदिर की नहीं थी, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। बट सच कोई बोलेगा नहीं, बिकॉज सच बोलने पर गालियां पड़ती हैं एंड नॉट एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ इट, बट आई विल टेक इट। कभी सोचा है कि मंदिर के बाहर क्यों एक गरीब जमीन पर बैठकर सारी जिंदगी फूली बेचता रह जाता है, लेकिन अमीर लाखों रुपए देकर मंदिर के अंदर राम कचौड़ी हनुमान कचौड़ी नाम से दुकानें खोलकर कमर्शियल एक्टिविटी करता है एंड शॉकिंगली आपके और मेरे जैसे भक्तों के पैसों से रात को मंदिर में मीट मंगाकर खाया जाता है। कभी सोचा है कि जिन होटल रूम्स को कोई 700 रुपए में भी ना पूछे, राम मंदिर की वजह से अयोध्या में उन्हीं होटल रूम्स के प्राइस रातों रात 11,000 रुपीज पर नाइट हो गए। क्या ये सेवा है? आर दे रियली हैप्पी फॉर राम मंदिर और समथिंग एल्स इज हैपनिंग इन द गार्ब ऑफ आवर रिलीजियस सेंटीमेंट्स? पता है, असली लड़ाई तो ये होगी कि राम मंदिर में आज चढ़ावा कौन रखेगा, इलीगल पार्किंग्स कौन चलाएगा, उन पार्किंग से कलेक्शन हुआ हुआ पैसा कौन रखेगा, राम कचौड़ी हनुमान कचौड़ी नाम की दुकानों को कौन हथियाएगा, मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टीज पर कौन कब्जा करेगा। बहुत सारे लोग जात पात को लेकर लड़ेंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट एजेंडास को लेकर लड़ेंगे, अल्टीमेटली लोगों में विवाद बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, खून बहेगा। गली कूचों के नेता राम मंदिर के नाम पर अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, कम ऑन यार। ब्रो, मेरे हिसाब से असली लड़ाई हमारे सनातन धर्म के व्यापारीकरण के खिलाफ होनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ राम मंदिर निर्माण तक सीमित रहनी चाहिए थी। जय श्री राम।